सुबह के हो रहे हैं जी 7:30। रांझा इंतज़ार में है जी, हमें नाश्ता कब मिलेगा? और मैंने चूल्हे पर रखा है जी। रांझा इंतज़ार में, नाश्ता कब मिलेगा? और रांझे अपनी खुराक छोड़ी हुई खा नहीं रहा, और मौसम में भी काफ़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन गर्मी नहीं जा रही, ये स्मोग हो रही है बुरे वाला में भी, धुआं धुआं उठ रहा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि बुरे वाले में काफ़ी मौसम चेंज हो गया है, बस गर्मी नहीं जा रही, लेकिन सर्दियों की आमद आमद शुरू हो गई, लेकिन ठंड ठंड कोई नहीं लग रही। मगर ये कि रात को पंखा चलाते हुए दिक्कत होती है, कभी सर्दी लगती है, कभी कभी दिल जाता है जी खेस उतने ला दो, कभी दिल करता खेस ला दो, बस यही होते मेरी और दिल की यही जंग रहती रात। मैं पंखा बंद कर देती हूँ, वो पंखा चला लेती है। अब बाहर स्मोग हो रही है, अजीब सा मौसम, ऐसे धुआं धुआं सा, मट्टी मट्टी सी उड़ रही, बस यही कुछ है। अभी मैं लेने जा रही हूँ दही, रांझा इंतजार से बैठा है कि मेरे नाश्ता मिल जाए, बस अपनी खुराक उसने छोड़ी हुई, आजकल रोटी पराठा कच्चा आटा इन चीज़ों के बस पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं पहले ले आऊँ दही, फिर नाश्ता करते, फिर अपने काम की तरफ चलते हैं। दही मैं ले आई हूँ, बाहर भी काफ़ी स्मोक स्मोक सी। अभी कुछ दुकानें नहीं खुली थी, यही हमारी दो दुकानें जो पहले सबसे पहले खुली। आज का मेरा नाश्ता, मैं आपको दिखाते हैं, आज का मेरा नाश्ता है जी जौ का दलिया। जौ का दलिया, ये पहले मैं थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ, भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल इसको पका लिया। अब इसमें मैंने डाली दही, सेब है, सेब, खीरा और दो दत्ते केले। ये बड़ा अच्छा नाश्ता है, इसमें आप शहद डाल लें, शक्कर डाल लें, अगर आपको चीनी पसंद है चीनी डाल लें, अगर आप डाइट पर हैं तो शहद डाल लें और शक्कर डाल लें, नहीं तो आप बगैर चीनी शक्कर शहद के भी खा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा और हेल्दी नाश्ता है, ये काफ़ी टाइम बाद मैंने फिर से शुरू किया है। जब भी डाइट शुरू करती थी ना, तो ये नाश्ता लाजमी होता है मेरे साथ। तो पिछले कुछ टाइम से मैंने खाना बंद किया था, बस खाना शुरू करती हूँ, थोड़ा टाइम खाती, फिर वो पराठे की लत लग गई है असल में, फिर से स्टार्ट लिया है। और अपने साथ हदील को भी मैं शामिल कर रही हूँ अपनी इस डाइट में, क्योंकि हदील का एच भी काफ़ी कम आया। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं हदील की डाइट में क्या क्या शामिल कर रही हूँ। इतनी इस एज की बच्चियों के ना, हमें वाकई एच भी गाहे बगाहे चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस एज के बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं ना, ये जो टीनेज बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बात की टेंशन लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्कूल की कोई बात होगी या कॉलेज की या किसी फ्रेंड ने कोई बात कर दी। और आजकल सबसे ज़्यादा ये जो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मुझे लगता है ये मीडिया से हो रहे हैं। कोई चीज़ अच्छा हासिल नहीं कर सकते, कोई इनके पसंदीदा शूज़ हो गए, कपड़े हो गए, ये इन चीज़ों के बच्चों की अगर चीज़ें, कोई क्या कहते हैं ना, कोई अच्छा लैपटॉप हो गया, इस तरह की चीज़ें हर माँ बाप तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये बच्चे जब चीज़ें देखते हैं ना, उनको बहुत सोचते हैं और सोचते रहते हैं, हम क्यों नहीं ला सकते, हम क्यों नहीं खरीद सकते। जब हम इनके दौर में थे, हमारे सामने ऐसी चीज़ें बहुत कम आती थी, अम्मी के नाल बाज़ार जाना था कुछ देख लेना, वरना तो हमें पता नहीं होता था बाहर क्या बिक रहा है, क्या आया मार्केट में, कुछ भी नहीं। अब मार्केट में जो भी आता है, बच्चे जब मोबाइल खोलते हैं, उनको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, तो बच्चे इससे टेंशन में होते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों पर बड़ी, ये वाले जो बच्चे हैं, इन पर बड़ी फोकस करनी पड़ती है, बार बार इनके साथ थोड़ी बहुत प्यार से मोहब्बत से समझाना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ इस टाइम पर आ जाए तो बेहतर है इस एज के साथ। तो ये बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो ये सड़ सड़ के अपना खून ही कट कर लेते हैं अपने बॉडी। तो आप सब जो माएँ जो हैं, जिनकी बच्चियाँ हैं 16-17 साल की, उन पर फोकस करें, उनको देखें, उनसे प्यार मोहब्बत से बात किया करें, ताकि वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को लाजमी शेयर कर सकें। तो मैंने तो अपनी बेटी से काफ़ी दोस्ती की हुई है, बड़ी अच्छी मेरी बेटी है, अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर लेती। पहले कुछ दिन तो नहीं करेगी, अगर कोई टेंशन है ना, तो कुछ खामोशी में कुछ, चले मैं भी कहूँगी, छोड़ देती हूँ उसके हाल पर, कि जब इसका दिल चाहेगा ना मुझे बता देगी। तो आजकल इसको ही मैं नाश्ता करवा रही हूँ, फोकस कर रही हूँ इसकी खुराक पर, अंडे नहीं खाती। अब मैं सोच रही हूँ कभी बॉयल करके दे देते, कभी किस तरह, लेकिन खा तो रही है, मेडिसिन भी मैंने शुरू करवा दी है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। बल्कि अगर बच्चे खुश रहना, तो एचपी का मसला कम आता है, जब बच्चे सड़ते पड़ते हैं तो उनका खून कट हो जाता है। चलो मैं नाश्ता कर लूँ पहले ना, बच्चों तो चू गया नाश्ता करके। हैं हाँ जी, गुड मॉर्निंग हो गया तेरी, अल्लाह तेरे जूंडे तेरे वाल कितने जवान ने। चलो फ्रेश हो जब आप भी नाश्ता कर लो, ठीक है? चाय मैंने सिर्फ अपनी खुद बनाई, तुम अपनी आप बनाओ, आसी अपने उन काम पे चले ना, ये तुम्हारी पीने वाली नहीं है, तुम्हारी पीने वाली नहीं है। बना देती चाय, होने ते मूड खराब हो गया, सुबह ने सारा कुछ बना के रखा है, तो होने चाय ते मूड खराब। उठाओ उसको, वो देखो बना हुआ दलिया भी। मैंने नहीं खाना दलिया।
एक तो उसके मूड के, मुझे समय कभी दलिया नहीं खाना, कभी कुछ नहीं, उबले हुए अंडे आपने ही खाने। बेटी खुशी खुशी ना अपने नाश्ता बनाया है, वो कह रही है अपना नाश्ता खुद ही कर ले, मैंने तो नहीं करना, मैं तो कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कर दिया। अब मैं आगे अपने काम में, मेरा काम शुरू करिए, थोड़ा सा काम बस दो फूल रह गए जो मैंने अब कंप्लीट करने, और मेरा काम कंप्लीट जो वो जो गाउन सिलाई करना, फिर मैंने वो शुरू कर देना अपनी सीट पर बैठन, ये बस थोड़ा सा काम रह गया, अब इसको कंप्लीट करूँगी आज, साथ साथ चाय की चुस्कियाँ लेंगे, और उसके बाद ये मैंने गाउन सिलाई करना शुरू करना है। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने काम पर फोकस करते हैं, दीलते हैं छोटी छोटी गलों से नाराज़ होते रहते, उन्हें फ्रेश होकर बाहर आ जाना। तीन चार पाँच, मैंने वैसे बहुत टाइम बाद ना अपनी सिस्टर के लिए काम किया बिल्कुल ही छोड़ा, तो बस ये हमारा ये आखिरी फूल रह गया। अभी हमने ना नाश्ता भी करना है, आज मैं सुबह सुबह ही बस लेमन पानी पी के ना यहाँ के बैठ गई थी कि मैं ये काम कर लूँ अपना, नाश्ता नहीं किया, तो अब मुझे इतनी भूख भी लग रही ना, और गैस नहीं ना आया दिल अभी और तेरी उसी, और जब से ये धुंध सी स्मोग वोग क्या आ जाती है, फिर इनको तो वैसे पड़ी जाती हर वक्त के किसी ना किसी तरीके से हम गैस बंद करते हैं क्योंकि पाइपों में गैस जम जाती है, पता नहीं केड़ी बर्फबारी पाकिस्तान च होंदी, सिर्फ और सिर्फ गैस जम जाती है, समझ से बाहर इतना कितने सानू ऊत बनाते हैं ना ये गवर्नमेंट जड़ी है हद ही है, वैसे तो असं भी ऊत पाते रहने हैं, असं कहते हैं जो मारी जाओ सर सिर से जुटियाँ से खाने तैयार, असी कौ कौम ऐसे हर वक्त, जैसे गैस है ना दिल आप मुझे बताना, फिर हम नाश्ता करते हैं दोनों, ठीक है। मुझे फिर बाज़ार जाना पड़ रहा है क्योंकि जो स्टोन है ना वो कम पड़ गए, जो ग्रीन कलर के थे, एक फूल में एक फूल बस कम रह गया, उसके लिए मुझे भागम भाग जाना पड़ रहा है, और मेरा बाहर स्मोग वाला मौसम है लेकिन कोई सर्दी नहीं है अभी तक, दिल चाह रहा है हल्की फुल्की लोन ही अच्छी लग रही है का, मैंने इससे पहले वो ना एक मेरा शिफॉन का सूट वो मैंने पहना, वो ऐसे लग रहे थे कोई भारी पता नहीं क्या वज़न पहना हुआ, अब ये पहना फिर से सुकून मिल गया, मेरा दिल चाह रहे हैं, और ये हम कुछ चीज़ें चेंज करके लाते हैं, फिर आकर इसको मैं बाकी का सारा हिस्सा कंप्लीट करती हूँ, अगर बाज़ार वीडियो बन सके तो बनाएंगे, वरना तो वही हमारी शॉप्स हैं जहाँ से मैं सारी चीज़ें खरीदती हूँ। फोन हमारे कम हुए जो मैं बता रही थी, अभी ये अब मैं लेकर आती हूँ, तो ये एक फूल में 65 स्टोन लग रहे हैं एक फूल में, ये वाले ये ग्रीन कलर के जो है ना, ये लाइट ग्रीन शेड के, तो ये हमारा फूल यानी कि इसमें तो आ जाएंगे, इसमें रह गए, ये हमारा एक फूल मुकम्मल रह गया, तो जो मैंने फिर बाजू पर अब हमारा फैसला नहीं हो पा रहा, मैं लास्ट से शुरू हदील से कह रही हूँ कि हम फूल बना लें, शदील कह रही मम्मा जी कुछ और बना लें, क्योंकि हमारे पास अब टाइम भी कम है, और ये हमने कम्प्लीट करके लाजमी लाजमी भेजना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला जी उन्होंने खुशियाँ पाना नसीब करे। अब इसका मैं कंप्लीट करके सारा सामान लाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम शुरू करते हैं। रुको, अपने कपड़ों की पड़ी है, मामा जी हमारे सर्दियों के कपड़े कंप्लीट कर दें, कोई पुराना सूट करके, जो पहले कपड़े जो टाइट हो रहे हैं, थोड़ा बच्चे जब थोड़ा वेट बंदा गेन कर लेते, कुछ बड़े मज़ेदार कपड़े होते हैं, दिल चाहता है वो बार बार पहने जाएँ, वो फेंकने देने को दिल नहीं चाहता, कुछ ऐसे सूट हैं ला के जो मुझे कह रही है कि मामा जी आप ये मेरा सूट से मेरे पास टाइम नहीं है, 18 तक मैंने फारग होना इन कपड़ों से, इनको भेजने हैं, और 16-17 को उन्होंने आना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग गड़बड़ हो रहा है क्या करूँ। चलिए जी पहले बाजार से होकर आते, फिर आकर घर में देखते हैं टाइम, क्योंकि मेरी वर्कर्स भी नहीं आ रही, उनके साथ भी कोई ना कुछ निके 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 प्रॉब्लम निकली आ रही है, किसी बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी बंदे का प्रॉब्लम है, किसी सास का प्रॉब्लम है, मेरी हदील का बड़ा मूड ख़राब हो गया, ओए रो के घर से। अच्छा आज हम सैंडविच खाएँ फिर अरेबियन, उस दिन खाए थे ना, अभी तक हमें रक्षा नहीं मिला, हम पैदल जा रहे हैं, वो देखो वो आ रहा है, भरा हुआ है, चल सही है फिर तो हमें मिल गया है। कॉफी पिलाते हैं, ये हर जाना होता मेरा हर कहाँ है, अच्छी लगती है मुझे, चलो पिलाते हैं।
ये मल्टी है ना, वो सिंगल शेड में था, इस तरह का शेड था उसका, इस तरह का गोल्डन शेड तो नहीं, ये वाला ले लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ये वाला। तो ये ग्रीन ही दे रहा शेड, ये इतने ही है बस। कितने चाहिए आपको? आप 80 रुपये दर्जन दे रहे हैं ना, 65, 65 कितने हो गए? 130 हो गए। हाँ उतने करते हैं, 30। तो 30, बल्कि आप ना मुझे ज़्यादा कर देंगे, 130, 150 कर दो। कोशिश कीजिए, आपके इतना कुछ में से पिछले मैंने मुझे याद दिला लाने का, सुराख नहीं सही उनके, बहुत छोटे हैं वो, मैंने इस पर अलहदा करके रखे हुए थे। और जो क्रिस्टल नहीं थे मैंने ब्राउन कलर की लड़ियाँ ली, वो भी 3 और कर दें। दे ये पूरा इतना ही कर लें, ये 200 कर लें। 200, 130 हुई हैं, मैं 150 करा लिया, 200 ना कर लिया, जरा कमी पेशी हुई फिर किसी और चीज़ चेंज करवा लेंगे, क्या करती है? होगी, दोनों कर दी आपने? हाँ जी, ये भी इतनी करनी है, ये ऊपर आनी है ना। पहुंच गए, राजा कहाँ है? आज भाग आया ही नहीं है। ओए रोंजी फोंजी, अस्सलाम वालेकुम रांझे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेस्ट पर थे आप आज, है ना? रेस्ट कर रहा था मेरा मगाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम घर पहुंच, शुक्र है जी, शॉपिंग करके सी आ गए हैं। जिन्हें जब जेब जैसे पैसे पा के लेके जाइए, कुछ अपने वास्ते सोच के जाइए, पर इतना महंगा मटीरियल आ। हदील ने कॉफ़ी पीनी थी, मैं चल अज मम्मी कॉफ़ी पीऊँगी, मगर साढ़े को नहीं पीती गई, बजट साढ़ा हिल गया, यानी कि लेसिस वगैरह सब कुछ इतना महंगा होता जा रहा है कि बहुत मुश्किल होया। यानी कि इतना सा मैं मटीरियल लेती हूँ ना अपने कस्टमर का, तो 5,000-6,000 ऐसे बिल बन जाता है। यानी कि इतनी महंगी, हर 15 दिन बाद ना मेरा ख्याल है कि चीज़ों के रेट में इजाफा होता है, कमी कभी मिले अपने आजकल मैं बिल्कुल नहीं देख रही। तो अब हम अपने खाने पीने की थोड़ी तैयारी कर लें, और उसके बाद फिर मैं फिर अपने काम की तरफ जाऊंगी। मैंने अपना काम ये कंप्लीट करना है, और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। हमारा प्रोग्राम बना के मैक्रोनी बनाती, मैं बड़ी मज़ेदार टेस्टी सी मैक्रोनी बनाती जो कि कनोर क्यूब में बनती है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है। उसमें सब्जियाँ वगैरह हम कुछ नहीं डालते, कनोर क्यूब होता है, बाकी सारे चाइनीज जितने मसाले सारे डालते हैं, बड़ा टेस्टी बनती है। वैसे मैंने ये रेसिपी शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करें तो आपकी रेसिपी मिल जाएगी। हाँ जी, बस ठीक है, प्याज भी है ना, वीकली बन जाती, बड़ा मज़ा आता वा। चलो मैं और हदील, अब हमारे पास जो शॉप है ना वहाँ से जाकर लेकर आते हैं चुली मकरोनी। चले जल्द, पहले से मकरोनी ले आइए। रांझा क्या हुआ है, अब से अंदर नहीं आया जा रहा है? दरवाज़ा खुल के अंदर आ जाओ। माँ तुझे पैकेटों की आवाज़ आ गई, तेरे चीटोज नहीं मिले हमें, आ जाओ अंदर, चीटोज नहीं मिले, चिप्स है, खानी नहीं है वो आपने, आ जाओ। इसको हमारे पैकेट्स खुलने की आवाज़ आ गई, बस मियाँ मियाँ शुरू। मैं कह चले आपके साथ शेयर करते हैं जो सामान लेकर आए हैं। इस दुपट्टे का भी हम सारा सामान लें जो मैंने गाउन रेडी करना है। इसका ये जो दुपट्टा है ये 2.5 गज का, और मैंने इसको फिर अब तैयार करना है तकरीबन 3 गज के करीब, ये लंबा हो जाए। इसके लिए मैं लाई हूँ ये टेलीविज़न कपड़ा, और ये इसकी खूबसूरत सी मुझे लेसेस मिल गई इसके पल्लुओं पर लगाने के लिए, खूबसूरत है। ये 2 तरह की मैं लेसेस लाई हूँ, मानना लेसिस दे बहुत पैसे लग जाते हैं, ये देखें, ठीक है। और गाउन पे लगाने के लिए ये मैं लाई हूँ टसल्स, मुझे अच्छे लगे, बड़े अच्छे लगेंगे ना, इसके साथ कलर जा रहा था। और हम ये स्टोन ले आई, मैं थोड़े ज़्यादा ले आई ये अपनी शर्ट पे लगाने के लिए, क्योंकि यही हमारा एक पूल रह गया था। और ये जो मैं सिलक लेकर आई थी ना, ये मैं सोच रही थी इसको ना इसके बगैर सिलाई ना करें, किसके बगैर हदील? अटल के बगैर। जब भी आपने शमो सिलक सिलाई करनी है ना, ये मेरा मशवरा है आप सबको, जब भी आप ये शमो सिलक सिलाई करें, देखिए मैं कलर कितना सोना लगेगा, ये मेरी मामा मैंने बड़ा कलर पवा देते, ये एक ये वाला कलर और एक पर्पल, पर्पल तो मेरी अम्मी जी इन्ना पवा देते, कभी कभी मेरा रोना निकल जाता, मैं कहना मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लगती, मैं कहना मुझे कोई होना भी मैंने पवा दिया करो, तुम देखिए पर्पल गहरे रंग, जिन्ने गहरे रंग सारे मेरे, ये वाला कलर पर्पल, तो आप उसके नीचे अटल जरूर लगा। एक तो ये कुछ बज दफ़ा खिंचने से छिंचता, अटल के साथ ना ये थोड़ा
यानी कि खड़ा खड़ा भी रहेगा, ट्राउज़र खास तौर पर इसका ट्राउज़र पर लटकता है यूँ यूँ करके बजाय इधर उधर जाता है, अटल के साथ बड़ा सही रहेगा। इसको अटल लगा कर सिलाई करते हैं। और ये जो ये वाली मैं ब्राउन सी शर्ट बना रही हूँ ना, अब इसका भी जो मैंने दुपट्टा है ना, सारे कपड़े मैं अपने ऊपर ही तन रख के दिखा देंगी। ये देखें ये वाला जो ब्राउन मैं बना रही हूँ, इसके साथ भी यही है कि ये जो वाला हमारा, ये मैंने उल्टा ले लिया, ये जो दुपट्टा है ना, ये भी हमारा 2.5 गज का है। इसको भी मैंने लंबा करना है। लंबा कैसे करना है, हम इसके यहाँ पर लटकाएंगे टसल्स नीचे भी थोड़े से, और ये मैं लेकर आई हूँ शिफॉन शमोसिला की। इसको मैं हल्की हल्की चुनट दूंगी, चुनट देकर ये इस तरह लगेगा। ये देखिए ये ऐसे नीचे चुनट हम इसके नीचे फिक्स करूँगी मैं, और ये फिर 8-8 इंच का इसको मैं बना कर, ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा लगेगा ना दिल जान? शायद क्या मतलब? मतलब शायद नहीं, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये मेरे सारे काम हैं जो मैंने अब अपने कस्टमर 18 तारीख तक करने हैं। हाँ जी 18 तारीख तक, और दिन पीछे आज 12 तारीख होगी। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। तो ये आज ये फूल तो मैंने बैठ के, चाहे मुझे 11-12 बज जाएँ, क्योंकि मेरी वर्कर आज नहीं आई। अगर आ जाती तो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाने थे, वो नहीं आई। तो मुझे आज मैं बैठूंगी 11-12 बजे तक और अपने काम कंप्लीट करके फिर मैं उठूंगी। और मैक्रोनी की मैंने सोचा था रेसिपी आप लोग से शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट बनाई, गैस जा रही थी। तो मैं क्या, मैं जितनी देर तक वीडियो बनानी खोलनी, कभी प्लेट ऐन रख, कभी ऐन रख, क्योंकि टाइम बहुत निकल जाता है, तो मेरे से वो डिश नहीं दिखाई गई। फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे बड़ी मज़ेदार मैंने पैरी पैरी चिकन, वो पैरी पैरी सॉस डाला था, इंतहाई मज़े की और लजीज बनी थी, जो कि हमने खा पी के दोनों ने वो अपनी जो कढ़ाई थी वेली भी कर दी है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करके अख्ताम। जाने से पहले मेरा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, वो जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।